25 की उम्र में वो कुछ ऐसा काम कर गया, विक्रम बत्रा नाम था उसका। 25 की उम्र में वो कुछ ऐसा काम कर गया, विक्रम बत्रा नाम था उसका, अपनी जिंदगी देश के नाम करके, अपनी जिंदगी देश के नाम करके देशवासियों को अपना कर्जदार कर गया। नमस्कार, मेरा नाम शुभांकर झा है। तो मैंने बोला जो सवाल है शुरू करते हैं कि भारत को आज़ाद हुए 76 साल हो गए हैं, पर आज़ादी सच में मिली है क्या? भारत को आज़ाद हुए 76 साल हो गए हैं, पर आज़ादी सच में मिली है क्या? सुना है भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे किसान जो फार्मर उनको प्राथमिकता दी जाती है, इसके लिए इसको कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। तो उस पर यह कि सुना है भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो फिर आज हर शख्स का पेट भरा है क्या? भारत को आज़ाद हुए 76 साल हो गए हैं, पर आज़ादी सच में मिली है क्या? सुना तो मैंने ये भी है यहाँ पे नारियों को देवी के रूप में पूजा जाता है, फिर भी आज यहाँ हर नारी सुरक्षित है क्या? और भारत को आज़ाद हुए 76 साल हो गए हैं, पर आज़ादी सच में मिली है क्या? बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना मेरे भाई। जिस देश में सोने की चिड़िया का बसेरा रहा, जिस देश में सोने की चिड़िया का बसेरा रहा हो, वहां के लोग आज भी गरीबी लाचारी से मुक्त हुए हैं क्या? भारत को आजाद हुए 76 साल हो गए हैं, पर आजादी सच में मिली है क्या? उस पे है कि यहाँ राजा हरिश्चंद्र जैसे ईमानदार का जन्म हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों में ईमानदारी नाम की चीज बची है क्या? भारत को आजाद हुए 76 साल हो गए, पर आजादी सच में मिली है क्या? ऐसे न जाने कितने सारे सवाल है, जिनका जवाब इस देश को मिलेगा क्या?